Hello, good morning and assalamu alaikum. My name is Khurram Shahzad. I represent Idea Trainings. This specific video is being recorded in collaboration with OCLP UMT. And the topic of today's video is Emotional Intelligence. क्या आप समझते हैं कि बगैर इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाए आप या कोई और शख्स इस दुनिया में अजीम लीडर बन सकता है? सो जवाब है नहीं. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. बिकॉज अगर आप पास्ट में गुजरे और आज के दौर में मौजूद तमाम अच्छे बड़े लीडर्स के नाम लें तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उन सब में बाकी क्वालिटीज़ के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी भी मौजूद है. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर करियर और लाइफ. सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और एक स्टूडेंट को और एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है कामयाबी हासिल करने के लिए, इस पे हम बात करते हैं. डेनियल गोलमैन की किताब बहुत मशहूर है इस टॉपिक पे, जिसने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को और इसकी एप्लीकेशन को इन एनीवनस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. हम इसका बगौर जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के जो हमें समझने चाहिए और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए. आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे नंबर वन पे है सेल्फ अवेयरनेस. आप और हम अपने इमोशंस के साथ अवेयर हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि हम किस सिचुएशन में कैसे फ़ील करते हैं, क्यों ऐसा फील करते हैं, कौन से हॉट बटन्स हैं हमारे, कौन कौन सी सिचुएशंस में हमारा नर्वस ब्रेकडाउन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो एक बहुत मशहूर मूवी जिसका नाम थ्री इडियट्स है, उसमें आप देखेंगे जो उसमें हीरो का किरदार अदा किया है आमिर खान ने, सो बाकी के लोगों की निस्बत उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा बेहतर थी डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट वाज द वन रीज़न कि वो अपनी लाइफ में बाकियों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब हुआ. सो सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि हम अपने आप से अपने इमोशंस के साथ अवेयर हों ताकि हम सेल्फ रेगुलेशन पे काम कर सकें. सेकेंड नंबर पे सेल्फ रेगुलेशन, हम हैंडल कर सकें सिचुएशन को, अपने इमोशंस को और दूसरे इमोशन लोगों के इमोशंस को सामने रखते हुए सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके. ये दोनों इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. तीसरे नंबर पे आता है मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या है? इंट्रेंसिक या एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, दोनों सूरतों में आपने अपनी मोटिवेशन की जिम्मेदारी खुद लेनी है, चाहे वो आप किताबें पढ़ के, चाहे वो आप दूसरे लोगों से बात करके, चाहे वो आप ऑनलाइन वीडियोस देख के, जिस तरह से भी आपने अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को इंस्पायर एंड मोटिवेट करना है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं एम्पथी, बीइंग अवेयर ऑफ अदर पीपल्स इमोशंस, being in the shoes of other people, how other people are feeling in this situation because of you or your emotional state. So दूसरे लोगों की situation को जाने बगैर आप अपने emotions को handle नहीं कर सकते. So उसके बाद last पे है social skills. जितनी बेहतर social skills आपकी होंगी उतने अच्छे नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं आप, उतने अच्छे रिलेशनशिप हैंडल कर सकते हैं आप, उतने अच्छे तरीके से आप अपने और दूसरे लोगों के साथ नए रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं. सो रिलेशनशिप्स को नर्चर करने के लिए सोशल स्किल्स एंड सोशल इंटेलिजेंस एंड सोशल अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप और हम मिल के इन पाँच एलिमेंट्स पर काम करें सो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे. इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पथी और सोशल स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी.
सो ये मुश्किल नहीं है, हर शख्स थोड़ी सी एफर्ट से ये कर सकता है। याद रखें, जॉब हासिल करने के लिए आईक्यू लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट जॉब हासिल करने के बाद उस प्रोफेशन में रहते हुए एक्सेल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप निगोसिएशंस अच्छी करें, आप चाहते हैं कि आप मीटिंग्स में परसुएसिव हों, आप चाहते हैं कि आप असर्टिव होकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें, आप चाहते हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छी कर सकें, आप चाहते हैं आप अच्छे लीडर साबित हो सकें, तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हों। सो इस स्किल को सीखें और इसके थ्रू अपनी लाइफ को, अपने करियर को बेहतर बनाएं।